नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। बड़ा प्रश्न, क्या सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गृह मंत्री अमित शाह की शह मिल रही है, मदद मिल रही है, जिसके चलते ये व्यक्ति अनर्गल बयान दे रहा है। आप जानते हैं इन्होंने क्या बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, बशर्ते विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी नार्को टेस्ट दें। सबसे पहली बात, आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया। आपके खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं, जिनमें से एक पॉक्सो के अंतर्गत है। कायदे से अब तक आपकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, मगर आप अपने घर में बैठ के फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि मैं नार्को टेस्ट तभी दूंगा अगर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया देंगे। यह व्यक्ति खुलेआम इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। कार्यक्रम में आज दूसरा मुद्दा होगा समीर वानखेड़े और शाहरुख खान का। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अब से 2 या 3 दिनों पहले समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट को लीक कर दिया, जिसमें शाहरुख खान उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, जो अपने आप में बताता है कि एक बाप किस कदर बेबस हो जाता है। मगर समीर वानखेड़े ने ऐसा करके अपने लिए और भी गहरा गड्ढा खोद दिया है। गीता का वो सिद्धांत है ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर सबसे पहले गीता के सिद्धांत को एक और शख्स को समझना है, जिनका नाम है सांसद बृजभूषण सिंह। बृजभूषण सिंह ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे सांसद बृजभूषण शरण सिंह नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने खुद फेसबुक पोस्ट में लिखकर इसके बारे में हामी भरी। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी। बृजभूषण शरण सिंह ने लिखा है कि मैं ये सभी टेस्ट इसी शर्त पर करवाऊंगा कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी ये सारे टेस्ट करवाएं। गौरतलब है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद है आपको, जब राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस को पूछताछ करना था तो पत्रकारों की पूरी टीम को यह ले गए थे, पूरा तमाशा बनाया था इस बात को लेकर। बृजभूषण शरण सिंह अपने घर में बैठकर यह तय कर रहा है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह से जो पूछताछ की, क्या उसकी एक भी तस्वीर मीडिया में मौजूद है? मीडिया तो इस कदर थर थर कांपता है कि वो सवाल भी सलीके से नहीं पूछ सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों, किसे शह मिल रही है बृजभूषण शरण सिंह को? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, NDTV के मुताबिक उन्होंने एक बयान दिया था और यहीं से शक पैदा होता है। आपके स्क्रीन पर NDTV का यह बयान अंग्रेजी में है दोस्तों, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि मैं तो 2014 में ही रिटायर हो जाना चाहता था, मगर मुझे अमित शाह ने रोका और कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा ना दें। सीधा और सरल सवाल, दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के मुखिया कौन है? अमित शाह। बृजभूषण सिंह जो चाहता है वो बातें हो रही हैं। खाप पंचायत अपने तेवर सख्त कर रही है, मगर इस व्यक्ति को बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कम से कम 5 या 6 जिलों में इसका रसूख है, इसे कोई छू नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर कुछ नहीं कहते हैं। इससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस व्यक्ति को किसकी शह मिल रही है। मैं आपको एक और चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा दोस्तों।
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रविवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी यह टेस्ट कराया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि अगर दोनों पहलवान अपना यह टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो प्रेस को बुलाकर इसके बारे में घोषणा करें। मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। कैसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आगे लिखा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने पोस्ट का अंत रामचरितमानस की पंक्ति रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए के साथ खत्म करते हैं। यानी कि धर्म का सहारा, सत्ता का सहारा, रसूख का सहारा, भय का सहारा। इस व्यक्ति ने ऐसा बार बार किया है दोस्तों। याद कीजिए, लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में इन्हीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैंने एक व्यक्ति को गोली मार दी, कोई नहीं जानता उस मामले का क्या हुआ, किसी ने उस व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई। याद कीजिए, जनसत्ता की खबर आई थी और उस खबर में क्या लिखा हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर में लिखा था कि कुछ महिला खिलाड़ियों ने इस बात को लेकर शिकायत की कि सांस चेक करने के बहाने, सांस का मुआयना करने के बहाने ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती और पेट को दबाता था। फिजियोथेरेपिस्ट मलिक ने निगरानी समिति के सामने बयान दिया था कि नाबालिग खिलाड़ियों को रात के वक्त उनके कमरे से ब्रिजभूषण शरण सिंह के होटल में ले जाया जाता था। इस कदर खौफ था। ये तमाम बयानात हैं निगरानी समिति के सामने दिए गए थे और निगरानी समिति ने उसे शामिल भी नहीं किया। उल्टा विनेश फोगाट ने यह आरोप लगाया कि जब उन्होंने ये बातें प्रधानमंत्री को रखी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप खेल मंत्री से मिलिए, और जब अनुराग ठाकुर से उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया तो उस बात को लीक कर दिया गया ब्रिजभूषण शरण सिंह को। बकौल विनेश फोगाट उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। अब आप समझे मैं क्यों कहता हूं कि इस व्यक्ति को किसी का डर नहीं है। यह रामायण की बात करता है, सत्ता परस्ती की बात करता है, ताकत की बात करता है, खुलेआम इंटरव्यूज में कहता है कि मैंने उस व्यक्ति को मार डाला था। खुलेआम यह व्यक्ति वो बातें कर रहा है, मगर इन पर कोई अंकुश नहीं है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, इस पूरे मामले में टाइमलाइन क्या हुआ है, कब क्या क्या हुआ, यह भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो आपके स्क्रीन्स पर एक एक करके आ रहा है। बता दें कि पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहली बार इस साल जनवरी में आरोप लगाए थे। तब विनेश फोगाट ने कहा था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। इसके अलावा उन्होंने कोचों द्वारा परेशान किए जाने की बात भी कही। उनके इन आरोपों को कई अन्य पहलवानों ने भी समर्थन दिया। इस मामले को लेकर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई अन्य खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। बाद में जांच का आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। अप्रैल में पहलवान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोबारा धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट दबाव डालता है और उसी के चलते, याद कीजिएगा, एफआईआर दर्ज हुई, वरना एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। और इस बीच क्या क्या हुआ, नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपियन, अभिनव बिंद्रा, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताया, ये दोनों हमारी महिला खिलाड़ियों के समर्थन में है। सानिया मिर्जा भी उनके समर्थन में आई है। हाँ, ये बात अलग है कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सब खामोश है, मगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने वाले अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा दोनों हमारी महिला खिलाड़ियों के समर्थन में हैं। ये तो तथ्य है ना। सरकार कब तक इसे नजरअंदाज करती रहेगी, ये हम जानना चाहेंगे। और क्यों? और मेरा सवाल एक बार फिर, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह इसलिए यह सब कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें देश के गृहमंत्री अमित शाह की मदद मिल रही है, शह मिल रही है, और उसी के चलते यह सब कर पा रहे हैं?
मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत दिखाएगी। बृजभूषण शरण सिंह ये फैसला नहीं कर सकते कि वो नार्को टेस्ट देंगे नहीं देंगे, गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। और आज का दूसरा मुद्दा दोस्तों आपके सामने है, शाहरुख खान बनाम समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 22 मई तक रोक है दोस्तों, मगर क्या आप जानते हैं समीर वानखेड़े ने व्हाट्सएप चैट लीक कर दिया है। ये व्हाट्सएप चैट उनका होता है शाहरुख खान के साथ, ये है वो व्हाट्सएप चैट दोस्तों, अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं कि इसमें कहा क्या क्या गया है। सबसे पहले शाहरुख खान ये कहते हैं कि मैं शाहरुख खान हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आधिकारिक तौर पर यह सही नहीं है मगर एक पिता होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो समीर वानखेड़े कह देता है बिल्कुल जरूर बात करते हैं। अब ऐसा करके समीर वानखेड़े फंस गए हैं क्योंकि आपके स्क्रीन पर यह खबर, इस खबर के मुताबिक यह कहा गया है जांच अधिकारियों ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि यह सर्विस रूल्स के खिलाफ है। जब आप एक मामले की जांच कर रहे होते हैं तो आरोपी या आरोपी के परिवार से आप बात नहीं कर सकते। यह व्यक्ति बात कर रहा था और जैसा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया, शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की घूस भी मांगी थी जो 18 करोड़ पर आ गई थी। 50 लाख रुपए की पहली किस्त समीर वानखेड़े और उनके जो तमाम लोग हैं उनकी जेब में चली गई थी, जैसा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दावा कर रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या ये बनाना रिपब्लिक है क्या? शाहरुख खान की इस चैट में कई और चीजें पता चल रही हैं। शाहरुख खान उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य के लिए आर्यन खान ने सबक ले लिया है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे बेटे का जेल में ख्याल रखना, उस पर कोई ज्यादती ना हो। एक बाप इस कदर से मिन्नतें कर रहा है, बावजूद इसके कि जब इन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था तो उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, ड्रग्स का एक भी कण नहीं मिला। और इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जो है वो गैर कानूनी और गैर वाजिब ढंग से काम कर रहा था। उसकी टीम में किरण गोसावी और मनीष भानुशाली जैसे लोग थे। किरण गोसावी जिसने आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचवाई थी, मनीष भानुशाली जो कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है, ये थी समीर वानखेड़े की टीम। और किरण गोसावी खुद इसका आपराधिक इतिहास है, इसकी ऐसी ढेरों तस्वीरें जहां वो भाजपा के नेताओं के साथ खड़ा है। यह थी समीर वानखेड़े की टीम। प्रभाकर सेल जो कि सरकारी गवाह था, जिसकी मौत हो गई थी दोस्तों, प्रभाकर सेल उसने इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से समीर वानखेड़े रिश्वत मांग रहा था। यह वो समीर वानखेड़े है, याद कीजिएगा, जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी दोस्तों, तब इसी समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ झूठी खबरें लीक की थी। दीपिका पाडुकोन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, इन तमाम लोगों को परेशान किया था, टारगेट किया था, झूठी झूठी खबरें फैलाई थी। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि गीता का सिद्धांत है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तुम्हारे वही कर्म सामने आ रहे हैं समीर वानखेड़े, क्योंकि तुम्हें इसी मीडिया ने सिंघम बताया था, गोदी मीडिया के तुम सिंघम थे। आज वही मीडिया पानी पी पी कर तुम्हारे बारे में अनाप शनाप कह रहा है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं दोस्तों। आज तक का एक पत्रकार, एक एंकर जो पहले जी न्यूज में था, इसने जी न्यूज में रहकर खुलकर गालियां दी थी आर्यन खान और अनन्या पांडे, जो कि चंकी पांडे की बेटी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, और फिर बाद में उन्होंने शाहरुख खान की तारीफ की। यहां तक कि यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान जैसे हैं, जिस तरह से शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा था पठान फिल्म से पहले, मगर पठान हिट हो गई, हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं मगर वो चुनावों में सफल हो जाते हैं। और फिर कर्नाटक के नतीजे आए, ये हरकतें कर रहा था मीडिया दोस्तों, ये हरकतें हैं इस मीडिया की।
इस तरह से इनके तेवर बदल जाते हैं। जिस समीर वानखेड़े को सिर पर बिठाकर ये लोग चल रहे थे, जिसके हर झूठ का प्राइम टाइम में प्रसारण हो रहा था, अब ये लोग पूरी तरह से चुप हो गए। क्या कहा गया है वो, शर्म तुमको मगर आती नहीं। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।